इंडिया इज़ माय इंडिया। आज इंडिया में सब कुछ है, एजुकेशन, लग्जरियस लाइफ, मेट्रो ट्रेन, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे इंफोसिस हो या टाटा। आम आदमी की कार, बड़े बड़े व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, वायु सैनिक, परमाणु बम, सब कुछ है। विदेशी मेहमान हमारे देश में आते हैं, कुछ अंधे की कहानियां बाल मजदूरों की। राजीव नगर, झोपड़पट्टी, नागपुर। ये मेरी जिंदगी है। बचपन का मतलब क्या है? ये तो मैं पहले दिन से ही भूल गया। हसनबाग, नागपुर। बच्चे कल का भविष्य होते हैं। और ये मेरा भविष्य है। पैसे की कमी के कारण ना स्कूल ना पढ़ाई। झोपड़पट्टी, दर्शन कॉलोनी, नागपुर। बेहद गरीबी के कारण मजबूर माँ बाप बच्चों को काम पर भेजते हैं ताकि कुछ आर्थिक मदद हो। महंगाई के कारण माँ बाप बच्चों को शिक्षा एवं अच्छा बचपन और जिंदगी देने में नाकामयाब हुए हैं। यह है सच्चा भारत, आधुनिक भारत। मैं तुम्हें सच्चा और कड़वा सच बताऊंगा। बाल मजदूर। 14 नवंबर हम बालक दिन मनाते हैं। भारत सरकार के अनुसार 2 करोड़ बाल मजदूर हैं। यह है मेरी जिंदगी का सच और मेरा बचपन। उत्तर बंगाल, भारत। इस भाग में हजारों बच्चे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं।
लजमी 6 साल। रुखसाना बेगम 7 साल। रायमा 5 साल। वहां और भी बच्चे हैं। इन सब की प्रकृति बहुत ही डरावनी है। लगातार आने वाली पत्थर की धूल के कारण इसका अंजाम खतरनाक फेफड़ों की बीमारी होती है। सिलिकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा और लंग कैंसर। बहुत दर्द होता है। हमेशा बच्चे जख्मी होते हैं। भारी काम के कारण और लोहे के उपकरण से रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होती है। स्वास्थ्य और पोषण की सेवाएं यहां बहुत कम पाई जाती है। टूटे हुए पत्थर की तरह वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाएं लागू करना चाहिए। दिन की कड़ी मेहनत के बाद, अपनी स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के बाद, अपना बचपन छोड़कर ये बच्चे इस महंगाई में सिर्फ 20 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं।